गाइस, दिस इज विशाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोबारा ज़िंदगी। टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो हाँ गाइस, आज है मेरा पटना का दूसरा दिन, यानी पटना टूर का दूसरा दिन, और मैं आज वीडियो का शुरुआत जो है वो गोलघर से कर रहा हूँ, जो कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। और गोलघर के बारे में बताया तो गोलघर जो है वो पटना के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। और अगर गोलघर के हिस्ट्री के बारे में बताया जाए तो गोलघर जो है वो अपने अंदर बहुत ही बड़ा हिस्ट्री छुपाए हुए है। अगर उसके बारे में कुछ बताया जाए तो ब्रिटिश शासन के दौरान 1770 ईस्वी में जब पटना में बहुत भयंकर भूखमरी हुआ था, यानी अकाल आया था, उस समय तो अंग्रेज शासन का जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इस गोलघर का निर्माण करवाने का सोचा था, जो कि 1784 ईस्वी में बनना स्टार्ट हुआ था और 1786 ईस्वी में बन करके तैयार हुआ था। और इसका मुख्य कारण यही था कि इसमें फूड को, यानी खाने को स्टॉक किया जाए, यानी अनाज को स्टॉक करने के लिए इस घर को, मतलब गोलघर को बनाया गया था। अगर इसका स्टोरेज क्षमता बताया तो 1,40,000 टन है इसका स्टोरेज क्षमता, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अब तो फिलहाल इसको अभी बंद किया हुआ है, इसको ऊपर, मतलब गोलघर के ऊपर में जाने नहीं दे रहा है वहाँ पे, मतलब कुछ काम के कारण, नहीं तो ऊपर चढ़ के मैं दिखाता। वैसे अच्छा है, यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे चिल्ड्रेन के लिए, मतलब बच्चों के खेलने के लिए भी जगह है और घूम फिर सकते हो, अच्छा जगह है। वैसे आप देख सकते हैं गोलघर को, वैसे चारों साइड घूम करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे कुछ बंदा लोग जो है, कुछ भाई लोग रील्स बना रहा है, वैसे खेलने का एक अच्छा जगह है। और ये गोलघर का कुछ पार्क का नज़ारा, नॉर्मल है, आप आकर के घूम सकते हो।